नमस्कार साथियों उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है मैं खेमेंद्र आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतर होने वाली है तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो यूपीपी सी एल जेई को टारगेट कर रहे हैं वही डिप्लोमा होल्डर्स हमारे प्यारे साथी जो सोच रहे हैं ये सपना समझा के बैठे बैठे हैं अपने दिल में कि जी हाँ यूपीपीसीएल जेई की वैकेंसी आएगी और मैं उसको क्रैक कर जाऊंगा तो उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो होने वाला है और हम लोग इसमें सैलरी और जॉब प्रोफाइल के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं पहले ऑलरेडी हम काफ़ी सारे वीडियो ला चुके हैं जिसमें यूपी पी सी जेई के एग्जाम पैटर्न के बारे में और क्या सिलेबस था इसके बारे में जानकारी आपको ऑलरेडी मिल चुकी है अगर नहीं पता तो वीडियो सेक्शन में जाके यू सर्च करना वहाँ पर आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे और अब लोग अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या सैलरी और जॉब प्रोफाइल आपका होता है आफ्टर सेलेक्टिंग इन दिस दिस एग्जामिनेशन तो देखो मैं मेरे हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अगर आपने एग्ज़ाम क्लियर भी नहीं किया है उसकी सैलरी के बारे में सोचना क्यों क्योंकि देखो यार जब भी आप सैलरी के बारे में सोचते हो तो सबसे बड़ा मोटिवेशन किसी भी इंसान के लिए उसकी सफलता में ये होता है कि यार कितनी पैसा उसको मिलने वाला है तो पैसे से बड़ा कोई भी मोटिवेशन नहीं होता है क्योंकि उसी पैसे की हेल्प से आप खुद की लाइफ को और बेहतर कर सकते हो अपने बच्चों की लाइफ को और बेहतर कर सकते हो अपने माता पिता की लाइफ को बेहतर कर सकते हो किसकी मदद से उसी सैलरी की वजह से उसी पैसे की वजह से तो सबसे बड़ा मोटिवेशन कौन सा हुआ दोस्त सैलरी हुई जो आपको मिलने वाली है और इसके बारे में सोचना गलत नहीं है जी हाँ गलत नहीं है तो इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपीपीसीएल जेई एग्जाम अगर आप क्लियर करते हैं तो क्या आपकी जॉब प्रोफाइल रहती है क्या काम करना पड़ता है और कितनी सैलरी आपको लगभग लगभग मिलती है तो यहां बता रहे हैं सर उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जो जेई के एग्जाम की बात कर रहे हैं हम लोग ए की नहीं जेई एग्जामिनेशन में आपको लेवल सेवन मैट्रिक्स के तहत फोर्टी फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड का आपका बेसिक अमाउंट मिलता है अच्छा दोस्त ये क्या है बेसिक अमाउंट इसका मतलब सर ये तो सिर्फ बेसिक अमाउंट है अब इसी बेसिक अमाउंट के ऊपर करीब करीब 40 परसेंटेज का डीए मिलता है डीए क्या होता है सर महंगाई भत्ता डी अलाउंस उसको कहते और एच आर ए भी मिलता है हाउस रेंटर अलाउंस तो और और भी अलग अलग प्रकार के अलाउंसेस होते हैं एनपीएस भी उसमें ज्वाइन हो चुका है एंड ये सारी चीजें आप सम अगर कर ले तो एक काफी अच्छा खासा अमाउंट आप मान लेते हैं फोर्टी लगभग लगभग आप सेवेंटी थाउजेंड के आसपास की आपकी इन हैंड सैलरी यहाँ पर हो जाती है दोस्त तो एक बहुत ही अच्छा अमाउंट है एंड इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए दोस्त डिप्लोमा आपका आपके पास होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बेसिकली कुछ सीट सिविल की भी निकलती है वो देखना पड़ेगा जब नोटिफिकेशन आएगा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाय द एंड ऑफ दिस मंथ इसके नोटिफिकेशन को और उसके बाद हम लोग बहुत सारी चीजें देखेंगे यहाँ पे एंड यू पी जेई की सैलरी लगभग लगभग आप मान ले टी ए डी एच आर ए सारी चीजें मिला करेग, करेग, 65 70, 000, 70, 000 के करीब करीब सिक्सटी फाइव टू सेवेंटी थाउजेंड सेवेंटी थाउजेंड के आसपास ये सैलरी आपकी हो जाने वाली है तो बहुत इंपॉर्टेंटली एक सपना होना चाहिए मन में कि या, हाँ यार मुझे ये वाली जॉब क्लियर करनी ही करनी है इसके लिए मुझे आज से ही मेहनत में लग जाना है उसी सपने को वापस से उसी सपने में जो चिंगारी है उस चिंगारी को जगाने के लिए मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ आगे बात करते हैं सर कि जॉब प्रोफाइल किस तरीके का होता है तो जब बात कर रहे हैं जॉब प्रोफाइल की तो किस तरीके के काम आपको करने होते हैं अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में मेंटेनिंग एंड सेंडिंग रिपोर्ट्स टू असिस्टेंट इंजीनियर तो बेसिकली आप किसी के अंडर ही काम कर रहे हैं सरकार के लिए सब काम करते ही हैं तो आपके वन वन ऑफ द बॉस इज अ असिस्टेंट इंजीनियर लुकिंग आफ्टर द हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन एंड इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन तो जेई क्लियर करने के बाद यू पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड क्लियर करने के बाद अलग अलग डिपार्टमेंट्स है जैसे जनरेशन ट्रांसमिशन में आपको लगा

के दौरान से ही जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है ज्यादा सैलरी जितनी यहाँ, पे असाइंड है, उतनी यहाँ पर मिलने लग जाती है तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं इंडिया में किसी भी टेक्निकल एग्जाम के लिए या फिर यूपी पी सी -E एग्जामिनेशन के लिए तो उत्कर्ष आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त चीज यहाँ पर लेके आया है हमारे सभी के सभी कोर्सेज पे जी हाँ सभी के सभी कोर्सेज के ऊपर लगभग लगभग 90 प्रतिशत का डिस्काउंट यहाँ पर आपको मिल रहा है आप अवेल कर सकते हैं कब तक पंद्रह नवंबर से पहले पहले जी हाँ दोस्तों पंद्रह नवंबर से पहले पहले अगर आप किसी भी कोर्स को उत्कर्ष के परचेज करते हैं तो आपको बहुत भारी ररक डिस्काउंट यहाँ मिलने वाला है और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ टेस्ट सीरीज जी हाँ दोस्तों किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है तो इसीलिए अगर आप किसी भी कोर्स को परचेज करते हैं तो उसकी टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर फ्री में दी जाएगी अब जी हाँ

आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं ऐसी कोई भी समस्या उसमें नहीं आने वाली कोर्स को भी और टेस्ट सीरीज को भी क्लियर बेटा तो ये सारे कोर्सेज हैं जो कि हमारे यहाँ पर हम लोग उत्कर्ष में टेक्निकल फील्ड में यहाँ पे रन कर रहे हैं और अगर आपको ये वीडियो लाभदायक लगा तो इसको जरूर शेयर कर देना अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा मैं मिलता हुआ आपसे अगले किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद